हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल प्राइमरी ट्रीटमेंट। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं सुमो एल ड्रॉप्स के बारे में। तो दोस्तों, इस वीडियो में जानेंगे सुमो एल ड्रॉप्स क्या है, इस ड्रॉप में कंपोजिशन क्या डाला गया है, इस ड्रॉप के यूजेस क्या है, डोजेस क्या है और इसका साइड इफेक्ट क्या है, ये सब कुछ जानने के लिए देखते रहिए वीडियो लास्ट तक। सुमो एल ड्रॉप्स एल्केम लेबोरेटोरीज लिमिटेड मैन्युफैक्चर करता है। ये ड्रॉप 15 ml का बोतल में आता है। इसका MRP 27 रुपीस है। तो दोस्तों, अभी जानते हैं इसका कॉम्पोजिशन के बारे में। इसमें पैरासीटामोल 100 mg में डाला गया है। पैरासीटामोल एक दर्द निवारक और एंटीपायरेटिक यानी बुखार कम करने वाली दवा है। तो दोस्तों, जानते हैं बच्चे में सुमो एल ड्रॉप्स के मुख्य इस्तेमाल क्या क्या है। सुमो एल ड्रॉप्स का इस्तेमाल दर्द से राहत और बुखार के लिए किया जाता है। इसका उपयोग सर दर्द, मांसपेशियों में दर्द या दांत में दर्द जैसा स्थितियों में दर्द को दूर करने के लिए किया जाता है। तो दोस्तों, जानते हैं ये ड्रॉप काम कैसे करता है। सुमो एल ड्रॉप में दर्द निवारक और शरीर के तापमान को कम करने वाली गुण होती है। ये ब्रेन में कुछ रासायनिक सिग्नल को रोक के राहत प्रदान करता है, जो दर्द और बुखार के बारे में संकेत भेजता है। तो दोस्तों, इसका डोज के बारे में जानने से पहले, वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो और ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके पास में जो ऑल नोटिफिकेशन घंटी है उसको ऑन कर दो। सुमो एल ड्रॉप्स मौखिक रूप से प्रतिदिन एक नियत समय पर दिया जाता है। हालांकि इस दवा को भोजन से पहले या बाद में लिया जा सकता है। ये भोजन के बाद सबसे अच्छा दिया जाता है, क्योंकि ये खाली पेट के अंदरूनी परत में जलन पैदा कर सकता है। इसका डोज आपके बच्चे के उम्र, शरीर के वजन और संक्रमण के गंभीरता पर निर्भर करेगी, इसलिए अपने बच्चे के डॉक्टर द्वारा निर्धारित खुराक, समय और तरीका से डोज देना चाहिए। यदि आपके बच्चा दवा लेने के 30 मिनट के भीतर उल्टी करता है तो बच्चे को शांत होने दे और वही खुराक दोहराए। यदि आपके बच्चा खुराक लेने के 30 मिनट से अधिक समय तक उल्टी करता है तो फिर से खुराक के सिफारिश नहीं की जाती है। अपने बच्चे को सुमो एल ड्रॉप को अन्य दवा जैसे कि सर्दी और फ्लू के दवा और अन्य दर्द निवारक के साथ ना दे जिसमें पैरासीटामोल होती है, क्योंकि ऐसे में ओवरडोज हो सकता है और इसके कारण खतरनाक दुष्प्रभाव हो सकता है। दोस्तों, नेक्स्ट जो बात करेंगे इसका साइड इफेक्ट के बारे में। सुमो एल ड्रॉप्स गंभीर दुष्प्रभाव पैदा नहीं करता और ये बच्चों द्वारा अच्छी तरह से सहन किया जाता है। फिर भी कुछ आम दुष्प्रभाव हो सकता है, जैसे कि खट्टी ढाकर आना, पेट में दर्द होना, मातली उल्टी करना। तो दोस्तों, किसी भी दवा यूज़ करने से पहले डॉक्टर से पूछ के करें। सभी स्थितियों में सभी दवा को प्रयोग नहीं किया जा सकता है, इसलिए कोई भी दवा यूज़ करने से पहले डॉक्टर की सलाह लेना ज़रूरी है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।